आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं स्विट्जरलैंड पे हूँ? और ये एक ही रूम नहीं है, काफी सारा रूम है यहाँ। दोस्तों मैं हूँ नामेरी की एक छोटी सी गांव जिसका अंदर है एक इतना खूबसूरत रिजॉर्ट। उस रिजॉर्ट का नाम है जिरोनी रिजॉर्ट। सामने बोर्ड दिखाता हूँ, ये है जिरोनी रिजॉर्ट। और ये जिरोनी रिजॉर्ट का बारे में थोड़ा मैं बताने के लिए कोशिश करता हूँ, दिखाने से पहले और अंदर भी जाएंगे, सारा वीडियो भी दिखाएंगे, उससे पहले मैं थोड़ा इसका डिटेल्स बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये रिजॉर्ट गवर्नमेंट का ही है और ये रिजॉर्ट अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट नहीं चलाता, इसको लीड में चलाया जाता है। 15 साल की ये एग्रीमेंट होती है और 15 साल में ओनर इसका चेंज होता रहता है, क्योंकि ये अभी लीड पे चलता है। जैसे रेलवे चलता है ऐसे ही सेम ही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का है, ये असम टूरिज्म का ही हिस्सा है और ये अभी गवर्नमेंट चलाता नहीं है। इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट का जहाँ पे हाथ होता है ना, तो वहाँ पे हर चीज़ थोड़ा बिखर ही जाता है, क्योंकि सब गवर्नमेंट का ही है भाई, अपना सोचते हैं। लेकिन जब ये चीज़ को प्राइवेट में आप कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो ये अपना सोचते हैं भाई। तो उसी लिए एक नीट क्लीन और इसका मेंटेनेंस है ना नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। जब गवर्नमेंट का होगा तो ये नेक्स्ट लेवल हो नहीं पाएगा, क्योंकि सबका हक रहता है गवर्नमेंट में। और ये है अभी प्राइवेट, 15 साल के लिए एक ऑनर ने ऑलरेडी लीड में ले चुका है और ये काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है। और दिखाता हूँ अंदर का एक एक हिस्सा और यहाँ पे रूम का रेंट कितना है, रहना, खान पीन, रेस्टोरेंट से लेकर सारा चीज़ आज दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं यहाँ से कि अंदर, तो वीडियो शुरू करते हैं, चलिए गाइस। तो ये है रिजॉर्ट का अंदर एक ऐसा कैंप बनी हुई है और ये है ना रेस्टोरेंट का ही हिस्सा है। यहाँ पे आप शाम को आके एंजॉय वगैरह कर सकते हैं बैठ के, है ना। आपको अगर रेस्टोरेंट में खाना खाना है तो वहाँ से आप ऑर्डर देके यहाँ भी खा सकते हैं। ये पूरा रिजॉर्ट का अंदर का ही हिस्सा है और आप कहीं पे भी आप बैठ के खाना वगैरह खा सकते हैं। और सामने जो रूम दिख रही है आपको, ये वुडन का रूम है। ये रूम का कॉस्ट है 1 रात की 6000 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और उसके बाद ये है ना अंदर काफ़ी सुंदर है, एक चीज़ भी वुडन से वुडन का अलावा कुछ भी यूज़ नहीं किया है। गवर्नमेंट का था लेकिन अभी तो प्राइवेट हो चुका है ना, तो इसका मेंटेनेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये घर देखिए, ये बम्बू का ही है। बम्बू तो सबका घर में होता है असम में, इस तरीके की डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बम्बू से भी इतना अच्छा अच्छा चीज़ बनाया जा सकता है, तो ये इन्होंने साबित कर दिया है। और हम लोग है ना, मेरा घर में तो इतना बम्बू है, मेरा बम्बू का घर ही नहीं है घर में, क्योंकि हम लोग उसको आर्किटेक्ट कर नहीं पाते हैं। वो लोग ये रिसर्च करके ऐसा बनाने से इतना दिन जाएगा, सब कुछ इसको जला के इस तरीके से बनाया है ये, क्योंकि काफ़ी साल तक ये ख़राब होने वाला नहीं है। वो चीज़ हमें नहीं पता, हमारा पास सामान है लेकिन हम कैसे यूज़ करें ये ट्रिक हमें नहीं पता। उस वजह से आज बम्बू से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लोग देखिए गाइस, बाहर से आके बम्बू से इतना सुंदर घर बनाया है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। वो चीज़ हम लोग देखने आए हैं क्योंकि ताकि हमारा घर पे है ये सब चीज़। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये रेस्टोरेंट का हिस्सा है और ये देखिएगा इस रेस्टोरेंट सारा है ना बम्बू से बना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे जंगल में फील होता है ना ऐसे ही, रास्ता तो बिल्कुल गांव का रास्ता है लेकिन अंदर आते ही जो आपको दिखाई देगा ना, सच में क्या ही बताऊं। और साथ सब कुछ दिखाएंगे, अभी रिजॉर्ट का बहुत सारा हिस्सा है और सारा हिस्सा दिखाने के लिए कोशिश करेंगे आज हूँ। तब तक मैं पहले है ना खाना हम लोग खा के नहीं आए थे, तो पहले खाना ऑर्डर दे देता हूँ, ऑर्डर देने के बाद हम लोग घूमने जाएंगे, तब तक खाना बन जाएगा। तो फाइनली गाइस मैं खाना ऑर्डर दे चुका हूँ। खाना ऑर्डर देने के बाद है ना हम लोग अभी इस पार्ट में घूमने के लिए जा रहे हैं और खाना ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया हमने, ऑर्डर दिया है 2 रोटी मिक्स वेज करी। आज चिकन खाने वाला था लेकिन आज चिकन नहीं खा पाऊंगा क्योंकि आज थर्सडे है, थर्सडे को हम लोग वेज ही खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं। पहले मुझे याद नहीं था, मैं ऑर्डर देने ही वाला था लेकिन मुझे याद आ गया। दोस्तों मैं आया हूँ जिरोनी रिजॉर्ट। ये रिजॉर्ट है नामेरी, नामेरी असम तेजपुर से बहुत नज़दीक पड़ता है ये नामेरी। वहाँ पे एक नामेरी एक फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट का अंदर ही एक रिजॉर्ट है और वो रिजॉर्ट में हम लोग आज घूमने के लिए आए हैं। तो दिखाते हैं रिजॉर्ट का हिस्सा, ये इतना सुंदर रिजॉर्ट है। आप कभी भी अगर नामेरी घूमने के लिए आते हो तो इस जगह पे ज़रूर आइए। और मैं दिखाता हूँ ये कॉटेज, देखिए आपको ये जगह है ना सच बताऊँ तो स्विट्जरलैंड का फील दिलाएगा और वही फील हमें भी दिला रहा है। ये देखिए गाइस कितना सुंदर रिजॉर्ट है और यहाँ पे है ना, मैं रूम भी थोड़ा देर में दिखाने के लिए कोशिश करूँगा कि लाया नहीं है अभी। यहाँ पे
इतना सुंदर रूम है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं स्विट्जरलैंड पे हूँ। और ये एक ही रूम नहीं है, काफ़ी सारा रूम है यहाँ पे, मैं दिखाने के लिए कोशिश करूँगा थोड़ी देर में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 कॉटेज है ऐसा, ये काफ़ी बड़ा है, देखने भी काफ़ी सुंदर है। इसका डिज़ाइन वगैरह मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं दिखाता हूँ आगे की ओर। में है ना, अभी दूसरी वाली कोटेज पे जा रहे हैं, और ये भी कोटेज जाने के लिए इतना सुंदर रास्ता बना दिया है, देखिए गाइस, और चारों तरफ है ना फूल लगा दिया गया है नया नया तरीके से, और ये लाइट वगैरह रात को काफ़ी मज़ा आने वाला है यहाँ पे, जो मैं लाइट देख पा रहा हूँ ना, ये रात को काफ़ी सुंदर रहने वाला है। अगर टाइम भी नहीं तो शाम तक रहेंगे और रात का व्यू भी दिखाएंगे। ये दूसरी वाली हम कॉटेज पे जा रहे हैं, और इस कॉटेज का एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जितना भी कॉटेज बनी है ना, ये पूरा उड़न है। और ये देखिए गाइस, जो फर्श है मैं जहाँ पे पैर रख रहा हूँ, ये भी उड़न है, सारा उड़न से ही बनी हुई है। और साइड में जो नीचे है वो पत्थर का है। और एक चीज़ बताऊँ, मैं जब भूटान गया था ना, भूटान के लोग कह रहे थे उड़न के घर में अगर आप रहोगे तो आपका आयु बहुत लंबी होता है, शायद उस वजह से बनाया, उसे मुझे नहीं पता किस वजह से बनाया, जो मुझे याद आ गया मैंने बता दिया आप सबको। और ये डिज़ाइन देखिए यहाँ पे है ना, ये सारा वॉल है ना, ये बनी है वुड एंड से, और ये ग्लास लगा दिया है गाइस, काफ़ी सुंदर है। और लाइट ये देखिए गाइस, ये लाइट बहुत पुरानी लाइट है, और इस रूम का है ना नंबर C03, इससे शुरू रहा है C01, कॉटेज नंबर 1। ये होटल नहीं है, यहाँ पे कॉटेज है, और कितना 8-10 कॉटेज होगा शायद सारा, तो एक्सप्लोर कराएंगे अभी थोड़ी देर में। हम दूसरी वाली में जा रहे हैं, क्योंकि आगे जाके मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना सकता, क्योंकि जो मेरा आगे कोटेज है ना, उस कोटेज पे लोग अभी रह रहा है वहाँ पे, और इसलिए उधर ज़्यादा शोर नहीं मचाएंगे, तो इधर आके दिखाते हैं और आगे जाएंगे और कैसे मस्त। अभी मैं जिस कोटेज पे खड़ा हूँ ये है C05। इस कॉटेज पे एक बहुत अच्छा चीज़ मुझे दिखाई दिया, ये फूल देखिए गाइस, ये सब फूल है ना हर जगह मिलती नहीं है, ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, ये पेड़ कहीं मिलता तो मैं भी लेके जाता। ये क्या फूल है, नाम अगर आप सबको पता है तो कमेंट पे ज़रूर बताइए, और मैं इधर ज़्यादा शोर नहीं मचाता हूँ, क्योंकि ये सामने वाला रूम पे है ना लोग रह रहे हैं। और ये सेम उस तरह ही ये भी एक कॉटेज है, ये C05 है, और यहाँ पर ये टॉप में देखिए फूल गाइस, ये फूल जितना भी है ना, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये है ना पूरा ओरिजिनल फूल है गाइस, ओरिजिनल फूल देखिए, ये मिट्टी में लगाया है और ये काफ़ी सुंदर दिख रहा है। और ऐसे ही सेम यहाँ पे भी रख दिया गया है। और एक चीज़ दिखाता हूँ, और इस साइड पे एक ही घर में बनी हुई है, ये आप सबको पता होगा, ये रिजॉर्ट है ना, रिजॉर्ट के अंदर हमेशा ये सब लगाने से है ना इनको भी फायदा होता है, और लोगों को भी काफ़ी मज़ा आता है। ये चीज़ है ना, अब भाजी करके खाने से बहुत टेस्ट लगता है भाई, वो भी लगा के रख दिया है। और ये काफ़ी पुराना पेड़ है, उसका पेड़ देखो कितना बड़ा है, ये काफ़ी पुराना लग रहा है मुझे। और यहाँ पे डस्टबिन, ये देखिए गाइस, डस्टबिन किस चीज़ का यूज़ करते हैं ये लोग, इतना सुंदर से बनाया है। ये बैट बोलते हैं, बम्बू नहीं, ये जंगल में मिलता है बैट, उस चीज़ से बनाया है। और ये कॉटेज पे आप अगर रहते हो तो शाम को घूमने के लिए जगह बना दिया गया है थोड़ा, इस शाम को ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि हम लोग अभी दोपहर को आए हैं ना, धूप बहुत है, और इस जगह पर भी है ना घूमने के लिए काफ़ी मज़ा है। और शाम अगर आप लोग अगर यहाँ पे आते हो तो आइए और यहाँ का मज़ा लीजिए। मैंने खाना ऑर्डर दे के आया था रेस्टोरेंट में, पहले जाके खाना खा लेता हूँ, उसके बाद ही दिखाता हूँ आप सबको वीडियो की ओर। तो गाइस देखते हैं और वीडियो आगे, और मैं अभी खाना खाने के लिए जा रहा हूँ रेस्टोरेंट की ओर, और मैं जा रहा हूँ खाना खाने, देखते हैं रोटी चावल क्या क्या देते हैं, वो लोग वही खा लेंगे। दोस्तों मैं फ़िलहाल हूँ जिरोनी रिजॉर्ट के अंदर, और अंदर आते ही मुझे एक
बहुत सुंदर रेस्टोरेंट दिखा। ये रेस्टोरेंट पूरा खुला है, लेकिन आपको जितना इसमें खाने के लिए मज़ा आएगा ना, क्या ही बताऊँगी। खुला में खाने का मज़ा ही कुछ और है। और यहाँ का खाना थोड़ा दिखा देता हूँ आप सबको। हमने पहले चिकन देखा था, चिकन ऑर्डर देने ही वाला था, मुझे याद आ गया आज थर्सडे है, हम लोग थर्सडे को चिकन खाते नहीं है, तो उस वजह से हम लोग चिकन का ऑर्डर नहीं दिया। आज वेज ही खाएंगे, वेज ही क्यों ना, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बनाया है मुझे लग रहा है काफ़ी मज़ा आने वाला है खाने में। तो आप सबको भी थोड़ा दिखा देता हूँ। ये है गाइस मिक्स वेज करी। ये मिक्स वेज करी के ऊपर है ना पूरा चीज़ लगा हुआ है, चीज़ का साथ खाने का मज़ा ही अलग है। और ये प्लेन राइस, और सामने ये है गाइस ये दाल, और ये है रोटी। पहले तो रोटी खा लेंगे, उसका बाद राइस खाएंगे, और सारा व्यू आज दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। यूट्यूब में मैं काफ़ी बार यहाँ पे देखा था, लेकिन यूट्यूब में जैसा देखा ना आपको, रियलिटी में वो फील उससे मज़ा आएगा आपको। मैं जितना सोचा था उससे बहुत बढ़कर है इस जगह, सच में। मैं 2-3 कोटेज ही दिखा था यूट्यूब में, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, 10-12 से भी ज़्यादा है। दिखाएंगे अभी रूम के अंदर भी थोड़ी देर में, मैंने थोड़ी देर पहले बात किया हूँ, तो देखते हैं वीडियो। पहले खाना खा लेता हूँ, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करेंगे। वैसे ये है मिक्स वेज करी का साथ मैं रोटी खा रहा हूँ। ये मिक्स वेज करी है ना बहुत यूनिक है, मैं दूसरा रेस्टोरेंट में भी खाता हूँ ऐसे मिक्स वेज, बहुत ही कम लेता हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत स्वादिष्ट लग रहा है ये मिक्स वेज। आज चिकन नहीं खाऊंगा ये बोल के नहीं, स्वादिष्ट लग रहा है ये, सच में ही बहुत ही स्वादिष्ट है। और यहाँ पे चीज़ डाल दिया है ना, और भी मज़ा आ रहा है खाने में, बहुत टेस्टी है। और ये है दाल। तो दोस्तों मैं आप सबको है ना रूम दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ, अभी रूम का अंदर जाऊँगा और अंदर क्या क्या है, क्या फैसिलिटी है, सब कुछ दिखाऊँगा। ये जितना कॉटेज बना है ना, ये पूरा उड़न का कॉटेज है, और अंदर जाके दिखाता हूँ क्या है। तो फाइनली गाइस मैं रूम का अंदर जाने वाला हूँ, रूम का अंदर क्या है सब दिखाऊंगा। आओ 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 जल्दी आओ जल्दी आओ। डोर खोल दिया, डोर खोलते ही गाइस ऐसा रूम है, और इतना सुंदर रूम है क्या ही बताऊं। और ये रूम का है ना एक चीज बता दो, QR किस चीज के लिए, स्कैन टू QR टू व्यू योर मेनू। अच्छा, इस QR पे आप स्कैन करने से आपको यहाँ का मेनू आ जाएगा पूरा। ये भी रखा हुआ है, एसी का रिमोट फोन है पूरा, इस जगह पे पूरा कंट्रोल कर सकते हैं इस फोन से ही। और यहाँ पे है ना रात को अगर रुकेंगे तो गुड नाइट वगैरह पूरा लगा हुआ है। और खाने के लिए यहाँ पे क्या क्या है, शुगर फ्री कॉफी टी बैग, और ये एवरीडे गरम चाय वगैरह आप यहाँ को खुद ही बना के पी सकते हो। इतना सुंदर रूम है, और यहाँ पे देखिए गाइस कुछ सामान वगैरह रखने के लिए लॉकर वगैरह रखा हुआ है, लॉकर पूरा क्लीन है, बिल्कुल क्लीन है, और अंदर भी सामान रख सकते हैं। ये लॉकर है, और लाइट इतना सुंदर से, और ये बेड में आप रात को है ना मस्त सो सकता है भाई, इसमें नींद भी बहुत आएगा। और इस साइड पे देखो ना आप, दरवाजा खोल के ये खोल दिया मैंने, और साइड में देखिए गाइस ये है पूरा व्यू, पूरा जंगल। और अंदर दिखाता हूँ, आइए गाइस बाथरूम दिखाता हूँ, यहाँ का बाथरूम ये बाहर। और यहाँ पे है ना बहुत सुंदर ग्लास लगी हुई है, देखो यहाँ पे पूरा व्यू बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पे दो ग्लास, जिरोनी रिजॉर्ट का नाम से जिरोनी होटल लिखा हुआ है, दो ग्लास रखा हुआ है, दो बोतल पानी, और इसका अंदर है आपका लॉकर, कपड़ा वगैरह आप रख सकता है। ये सारा वुडन से बनी हुई है, ये भी वुडन, ये भी वुडन, ये सारा वुडन से बनी हुई है। अभी दिखाता हूँ, आइए आइए ये बाथरूम, वाओ बहुत सुंदर बाथरूम है। देखिए गाइस ये तूलिया वगैरह देख सकते हैं, सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पे, साबुन है आने के लिए, ब्रश करने के लिए इनका नया ब्रश भी है, ब्रश टूथपेस्ट है इनका नाम से ही शायद, नहीं ये दूसरे ब्रांड का है ये टूथपेस्ट, ये बिल्कुल नाम नहीं है इसमें, बिल्कुल नया है, इनका ही ब्रांड होगा शायद, पता नहीं। और इधर आइए गाइस, आपको शावर करने के बाद तौलिया वगैरह रख दिया गया है। और ये दिखाता हूँ गाइस, ये यहाँ पे जब शावर लोगे यहाँ पे पानी आ जाएगा ना, तो ये नेक्स्ट लेवल भाई। दोनों तरफ से आप ऐसा डोर लगा दीजिए, और मैं अंदर जाता हूँ अभी। अभी अगर मुझे शावर करना होगा ना तो अंदर पानी बाहर नहीं आएगा, उसके लिए ये दोनों ऑन कर दिए, दोनों ऑनर, ये अलग लेवल की डोर है भाई। और यहाँ से शावर आएगा, आप पूरा बिंदास नहा सकते हैं, और मैं निकल जाता हूँ। ये डोर है ना दोनों तरफ से खोलते, ये मुझे काफी अच्छा लगा, ये डोर का डिजाइन बहुत अच्छा लगा मुझे, ऐसे बन पाता है। और
टॉयलेट वगैरह बहुत ही क्लीन है, इधर टॉयलेट टिश्यू पेपर रखा हुआ है, डस्टबिन है, और टॉयलेट के अंदर क्या है भाई, अंदर पाइप वगैरह है, और लाइट नहाने धोने के लिए बकेट रखा हुआ है, बहुत अच्छा है। और आज रात हम लोग ये रूम पे नहीं रुकने वाला भाई, हम सिर्फ दिखाने आए हैं, क्योंकि मेरा घर से ये 53 किलोमीटर दूरी पे है ये जिरोनी रिजॉर्ट। तो गाइस यही है, और आप लोग कपल आते हैं तो यहाँ पे एक जना बैठ सकते हैं, और आपका फ्रेंड या आपका सहेली या आपका पार्टनर यहाँ पे बिठा के आप दोनों कॉफी बना के आराम से पी सकते हैं कॉफी। ये कॉफी ग्लास रखा हुआ है, ये बनाने के लिए है, पानी बोतल रखा हुआ है, बाकी शुगर फ्री सब कुछ है यहाँ पे, टी बैग है, कॉफी बैग है, आराम से बना के मस्त पी सकते हैं भाई। तो यही है रूम, और ऊपर का डिजाइन देखिए, यहाँ पे जो लाइट लगी है ना, ये बहुत सुंदर लग रहा है, जैसे कि ये स्विट्जरलैंड में ज्यादा इस तरीके की रूम मिलता है। स्विट्जरलैंड जितना भी वीडियो देखो तो इसी तरीके की कॉटेज बना हुआ था, और मुझे है ना थोड़ा बहुत इस जगह में आके है ना स्विट्जरलैंड का फील आ रहा है भाई, सेम स्विट्जरलैंड में जितना भी वीडियो देखा हूँ सब वीडियो में स्विट्जरलैंड में इस तरीके के रूम रहता है। और ऊपर ये है ना उसका जो ऊपर सीलिंग है, सीलिंग भी इनका दूसरा टाइप का बनी हुई है भाई, ये सारा वुडन का ही है, आपको वॉल कौन सा है सीलिंग कौन सा है आप फर्क नहीं पाओगे, यहाँ पे सब कुछ नेक्स्ट लेवल की है भाई। रूम लेकिन छोटी छोटी है, इतना बड़ा रूम नहीं है, लेकिन मस्त है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और इस रूम का प्राइस है 6000 एक रात के लिए। यहाँ पे है ना आपको मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग है, और इंक्लूडिंग GST 6000 है, बाकी आपको फूड के लिए अलाकार्ट ऑर्डर करना पड़ेगा। सामने ही रेस्टोरेंट है, 10 बजे तक बंद होता है, 10 बजे से पहले आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हो जैसे नॉर्मली होटल में होती है। और गाइस अभी यहाँ से हम लोग चला जाएंगे और यहाँ का बारे में थोड़ा बताएंगे, तो चलिए गाइस।